अक्सर आप में से बहुत से लोगों को यह डर रहता है कि आईएसटी की भी फाउंडेशन लेवल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपके इसी डर का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं आज की इस वीडियो में, और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप आईएसटी की भी फाउंडेशन लेवल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। आईएसटी की भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स को याद रखना है और इन 5 पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम एंड प्लानिंग। ISTQB के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर आपको ISTQB फाउंडेशन लेवल एग्जाम की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है तो वो पर्सन अराउंड 17 से 18 घंटे मिनिमम टाइम स्पेंड करेगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। और जब आप सेल्फ स्टडी के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो भी अप्रोक्स आपको सेम टाइम मिनिमम लगेगा इस सिलेबस को कंप्लीटली गो थ्रू करने में। बट ये टाइम पर्सन टू पर्सन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बिकॉज हर पर्सन की अपनी रीडिंग स्किल्स अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डिफरेंट होती हैं। So, अगर आप डेली 2 आवर्स का प्रिपरेशन टाइम अपने लिए रखते हैं तो अप्रॉक्स 10 से 15 दिन के टाइम ड्यूरेशन में आप इस कंटेंट को कवर कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अगर आपको समझने में टाइम लग रहा है तो आप उन टॉपिक्स को जो आपका शेड्यूल थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है उसको आप वीकेंड्स में कवर अप कर सकते हैं, वीकेंड में कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके अराउंड 4 to 5 आवर्स, और उसी ड्यूरेशन में वीकेंड्स में आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम मॉक टेस्ट के लिए आपको चाहिए। तो वीकेंड में आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स का टाइम देना होगा फॉर प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंटली कि डेली 2 आवर का टाइम डेडिकेटेडली देके इसकी प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की तो ये एग्जाम आप कम टाइम में इसका प्रिपरेशन कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपने आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और 7 दिन बाद आप सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 7 दिन के डिफरेंस के कारण फर्स्ट चैप्टर आपको 100% याद नहीं रहेगा इतने ड्यूरेशन के बाद। हो सकता है आपको 70, 80 या 60% तक याद रहे, तो उसको आपको फिर से रिवाइज करने में एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी और जब आप एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना जो आपने पढ़ा हुआ है उसका परसेंटेज याद रहेगा और आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज स्टडी मटेरियल। आईएसटी की भी फाउंडेशन लेवल एग्जाम का सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही रिफर करें, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप किसी अदर सोर्स से डॉक्यूमेंट या सिलेबस रिफर करते हैं तो वो श्योरिटी नहीं रहेगी कि ये डॉक्यूमेंट अपडेटेड है या नहीं। सो आपको ऑफिशियल स्टडी मटेरियल को ही रिफर करना है। अदर वेबसाइट और पोर्टल लाइक उडेमी या यूट्यूब पर भी कोर्सेस और वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज जब मैंने ISTQB फाउंडेशन लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन की तो मैंने केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही रिफर किया और वो डॉक्यूमेंट मुझे सफिशियंट लगा। उस डॉक्यूमेंट के अलावा मुझे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसमें क्लियरली और बहुत ही प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को, तो आपको केवल वो डॉक्यूमेंट सफिशियंट होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। बट अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको उस डॉक्यूमेंट में समझ में नहीं आ रहा है तो यस यू कैन चेक दोज पर्टिकुलर टॉपिक। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब या अदर सोर्सेज से जहां से आपको इजीली समझ आ रहा है वो रिफर कर सकते हैं उतना पार्ट, बट नॉट द कंप्लीट सिलेबस। ऑफिशियल स्टडी मटेरियल आपको कहां मिलेगा, आपको कौन सा वर्जन रिफर करना है, कहां से वो ढूंढना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है स्टडी मटेरियल पर, तो वो लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को चेक कर लें। फोर्थ पॉइंट इज चैप्टर वाइज बेटेज एंड प्लानिंग। आपको पता है कि ISTQB फाउंडेशन लेवल एग्जाम में चैप्टर 1, 2 एंड 4 से टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ISTQB का पासिंग स्कोर कितना है, ओनली 26। इसका मतलब अगर आप चैप्टर 1, 2 एंड 4 को ही केवल 100% कवर कर लेते हैं, उसके आंसर 100% सही कर लेते हैं तो आपका ISTQB एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि किस टॉपिक से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको इस टॉपिक को देना है, उसका वेटेज क्या है। तो जब आप प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए तो चैप्टर वाइज वेटेज को ध्यान में जरूर रखें, टॉपिक वाइज वेटेज को ध्यान में जरूर रखें। हो सकता है कि एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स हो बट केवल 7 में से ही क्वेश्चंस आने हो, तो आपको बाकी के 3 टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अपने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अपने नॉलेज पर्पस के लिए उनको जरूर पढ़े, बट जब आप रिवाइज कर रहे हैं पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए तो आपको ज्यादा फोकस करना है जिस चैप्टर या जिस टॉपिक से वेटेज ज्यादा है। तो आपको अपनी पूरी प्लानिंग इसी बेसिस पे करना है कि आपको किस चैप्टर पे कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है कि चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसको 3 दिन तक पढ़े जा रहे हैं, तो ये गलत स्ट्रेटेजी होगी। इसलिए चैप्टर वाइज वेटेज और टॉपिक वाइज वेटेज ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर के जिनसे श्योर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीटली बना रखी है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि ऐसे कौन से 12 टॉपिक्स हैं, ओनली टॉपिक्स, जिनसे श्योर शॉट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप केवल उन 12 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ना तो ISTQB में आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो की लिंक आपको अगेन आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ना कि मैंने केवल चैप्टर वाइज बेटरीज बट और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, लाइक डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली ISTQB एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट इज मॉक टेस्ट। ISTQB प्रिपरेशन में सिलेबस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। जब भी आप इन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें तो आप इसको रियल लाइफ एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करें। रियल लाइफ एग्जाम से मेरा क्या मतलब है कि जब आप इन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप एक टाइमर यूज करें। फॉर एग्जांपल, आपको रियल लाइफ एग्जाम में 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा तो आप वही 60 मिनट का टाइमर लगा के आप इन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसको अपने आंसर्स को वेरीफाई करें कि कितने आंसर की अकॉर्डिंग सही है और गलत है। ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे पहला आपकी प्रिपरेशन को जज करने में कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है या फिर आपको अभी और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सेकंड, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपके वीक चैप्टर या टॉपिक्स कौन से हैं इसका आइडेंटिफिकेशन करने में। आपको मॉक टेस्ट के बाद जब आप इसका आंसर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आपका स्कोर कम है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, और कहां पर आपको दोबारा से रिवीजन या उन टॉपिक्स को फिर से देखने की और पढ़ने की जरूरत है। तीसरा, इससे आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और किस डिफिकल्टी लेवल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे फायदे आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेंगे। आपको बहुत सारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट ISTQB फाउंडेशन लेवल एग्जाम के मिल जाएंगे, बट आपको वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बिकॉज जो अदर वेबसाइट पर मॉक टेस्ट है वो बहुत पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन है। तो अगर आप उन मॉक टेस्ट को करोगे तो आप ठीक से जज नहीं कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, और ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की थी कि उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि जो अब लेटेस्ट सिलेबस में है ही नहीं या वो चेंज हो गए, तो उसके आंसर अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर गलत होंगे, तो आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको अदर वेबसाइट्स के थ्रू क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको कहां से प्रैक्टिस करने, अगेन ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी ये मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, कौन से मॉक टेस्ट है, टोटल 3 मॉक टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हुए हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो स्टडी मटेरियल वाली वीडियो है। सेम उसी वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि आपको मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे और कौन से मॉक टेस्ट आपको रेफर करना है। तो डू चेक आउट दिस वीडियो, अगेन लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको आप अटेम्प्ट तो कर सकते हैं बट उन पे रिलाई नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के लिए, तो हाँ आप उन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पर्पज से उन क्वेश्चंस को, उन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। बट अगर आपका उसमें स्कोर कम आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्कोर और अपना कॉन्फिडेंस जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही जज करना है। बाकी प्रैक्टिस पर्पज से आप उन क्वेश्चंस को जो अदर वेबसाइट के मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा कि और क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम हो सकते हैं। तो ये थे वो 5 पॉइंट जो आपको ISTQB एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको इन 5 पॉइंट को याद रखना है। वीडियो में रिक्वायरमेंट हो तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखें, 5 पॉइंट को नोट डाउन करें, और जो मैंने बीच में आपको वीडियोस बताई हैं स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वेटेज, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने 12 ऐसे क्वेश्चंस और सॉरी नॉट क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक बताए जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो वो क्वेश्चंस की वीडियो आप जरूर देखें। और आई एम कॉन्फिडेंट कि आप जब इन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ISTQB एग्जाम, फाउंडेशन लेवल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। बी कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द